कि इतना अंधविश्वास है कि यहाँ तो इंसान से ज्यादा जानवर की मान्यता है, लेकिन इंसान की मान्यता नहीं है। मतलब गाय पवित्र है, गाय पवित्र बोलते हैं हिंदू धर्म में, बोलते हैं कि गाय हमारी माता है। ये सभी पवित्र है, मैं तो बोल रहा नहीं, मैं बोल रही हूँ कि गाय हमारी माता है। तो मैं एक मिनट मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि गाय हमारी माता है तो फिर बैल कौन है। दोस्तों हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बुद्ध के जो धम्म को अच्छे से परिभाषित कर रहे हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। हाँ बोलिए। मेरा ये मतलब है कि तथागत बुद्ध न तो उन्होंने अपने आप को भगवान कहा है और न अपने आप को भगवान माना है, और जो जितने भी देश के विश्व के लोग हैं उन्हें भी बोला कि यहाँ पर पूरे विश्व के अंदर न तो कोई भगवान है और न कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब कि सिर्फ प्रकृति है, कुदरती चीज़ें हैं सारी, बाकी भगवान आप। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम श्रीमती छाया कोठे, इंदौर से आई हूँ मैं यहाँ पर, और प्रथम बार आई हूँ मैं, और तथागत बुद्ध की पूरी विचारधारा जानते हैं, तथागत बुद्ध को पढ़ा है हमने, तथागत बुद्ध ने पूरा मतलब कि जो कुछ भी। लेकिन सिंदूर वाली जो चीज़ है वो बुद्ध के उसमें धम्म में नहीं है। सिंदूर वाली चीज़ें नहीं है, मतलब कि वो क्या हुआ, जो हिंदू धर्म बना है, हिंदू धर्म जो बना है उसमें ये सारी चीज़ें व्यवस्था दी गई है, लेकिन तथागत के इसमें धम्म में हाँ, तो वो फिर करना पड़ेगा ना जिस माहौल में। जो चीज़ बुद्ध ने ये कहा था, जो तर्क के अनुसार हो, जो बुद्धि संगत हो, जो सबके कल्याण के लिए हो, हमें वो बात मानना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए, बुद्ध ने जो बोला है वो हकीकत सत्य बोला है कि जो हमारे हित में हो, हमारी विचार नियत नेकी पंचशील अपनाना चाहिए, और सारी चीज़ों से जो गंदी चीज़ें हैं जैसे नशा वसा करते हैं हमारे भाई लोग, ये सारे नशे से भी दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। तथागत बुद्ध ने हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से बारीकी चीज़ का तोड़ निकाल करके निचोड़ करके और कहा है हमारे लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को समझाना चाहा है, लेकिन हमारे लोग तथागत बुद्ध को धर्म मानते हैं। उन्होंने बोला कि मैं धर्म नहीं हूँ, तथागत बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध एक विचारधारा है, बौद्ध एक विचारधारा है जिस विचारधारा को लेकर के हम सभी लोगों ने चलना चाहिए। अब यहाँ तो अंधविश्वास ज़्यादा भरा हुआ है, श्रद्धा भरी हुई है अंधविश्वास पर, हमारे इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं, अंधविश्वास को ज़्यादा मानते हैं। और तथागत बुद्ध ने बोला, संत रविदास ने बोला, संत कबीर साहब ने बोला, संत ज्योतिबा फुले ने बोला, महात्मा ज्योतिबा फुले ने बोला, सावित्री माता फुले ने बोला, रमाबाई ने बोला, और इन सबको पढ़ करके बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा पूरे देश के लिए, हमारे पूरे देश के लिए सबसे बढ़िया संविधान लिखा है कि तुम जितने अंधविश्वास में, जितने पूजा पाठ में लगोगे, उतने आप जहाँ के वहाँ रहोगे और नीचे डूबते चले जाओगे। आप लोगों को अंधविश्वास से बिल्कुल ऊपर उठना चाहिए, ये आस्था भी नहीं है, ये भगवान नहीं, ये अंधविश्वास से दूर हटो और अपने आप को, तथागत बुद्ध ने बोला है आपो दीप भव, मतलब आपके अंदर पूरे ज्ञान का भंडार है, हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान का भंडार है, लेकिन तुम लोग उस ज्ञान के भंडार को चेतना में नहीं लाते हो। तथागत बुद्ध ने बोला कोई भी मनुष्य जात या जीव जात, मतलब कि मैं तो ये बोलूँगी कि इतना अंधविश्वास है कि यहाँ तो इंसान से ज़्यादा जानवर की मान्यता है, लेकिन इंसान की मान्यता नहीं है। मतलब गाय पवित्र है, गाय पवित्र बोलते हैं हिंदू धर्म में, बोलते हैं कि गाय हमारी माता है। ये सभी पवित्र है, मैं तो बोल नहीं, मैं बोल रही हूँ कि गाय हमारी माता है। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ, एक मिनट मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि गाय हमारी माता है तो फिर बैल कौन है, बैल आपके पिता होना चाहिए। तो गाय की पूजा करते हो और बैल की पूजा क्यों नहीं करते हो, कभी ऐसा हुआ था संसार में या पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर, कि सिर्फ माँ से ही बच्चा पैदा होता है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। जब गाय माता है तो बैल पिता होना चाहिए, तो गाय के साथ में बैल की भी पूजा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी हमारा समाज समझता नहीं है, फिर भी अंधविश्वास में डूबता चला जा रहा है। तो मैं पूरे समाज से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज से निवेदन करूंगी, अपील करना चाहूंगी,
अपील करना चाहूँगी, पूरे समाज से निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर इस देश के अंदर तथागत बुद्ध के जो धम्म से बुद्ध की विचारधारा को लेकर के आगे चलना है तो आप सभी लोगों को अंधविश्वास से और देवी देवताओं से मुक्ति लेना होगी, तभी इस देश के अंदर, इस भारत देश के अंदर बौद्ध धर्म की जो विचार जो है वो हर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। तो आप सभी लोगों को अंधविश्वास छोड़ के और भगवान बुद्ध की और जो देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे छोटे से मतलब की विचारधारा बताइए, संविधान के अंदर हम सबको समानता का अधिकार दिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो हम सभी लोगों को, समाज के लोगों को सभी ने अपनाना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको एक समान कहा है। चलिए, आपके जो विचार हैं महज सिंपल विचार नहीं, ये क्रांतिकारी विचार हैं। अगर ऐसे विचार पूरी महिलाओं के अंदर आ जाए तो भारत देश सम्राट अशोक का देश फिर से बन जाएगा और विकसित देश बन जाएगा। आपने अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सबको। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।